असेंबली मीडिया पॉइंट में संगारेड्डी के रुकन असेंबली जगारेड्डी ने मीडिया से खिताब के दौरान कई उमूर और मसाइल पर बात की, जिसमें कोरोना केसेस में आ रही कमी और अगस्त सितंबर में दोबारा कोरोना की तीसरी लहर के आने का इम्कान, मरकज की लापरवाही की वजह से बहुत सी जानें जाय हो गई, मरकजी व रियासती हुकूमतों को क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी से बहुत से अस्पतालों में हुई अमवात और दीगर इश्यूज शामिल थे। आने से पहले कोरोना आया था, कोरोना के लिए WHO अलर्ट करे, मगर मोदी जी जो कोरोना के लिए उतना सीरियस नहीं लिए, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं लिया, मजाक ले लिए, दो गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट, TRS गवर्नमेंट। सेकंड वेव आता हुशार हो जाओ बोल के मोदी जी को बोले, KCR मोदी जी को बोले, मोदी जी भी फिर छोड़ दिए, बहुत लोग मर गए, नौजवान, बड़े लोग, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, फैमिलीज मर गए, प्रिकॉशन नहीं लिए। देखो जो सेकंड वेव टाइम पे ऑक्सीजन प्रॉब्लम इतना था, एक तरफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तड़प रहा आदमी, इधर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मर जा रहे, इतना वेरी वेरी बुरी हालत था घरों में या बाहर या दवाखानों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वैसी था या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैसी था, जिधर जो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ऑक्सीजन सप्लाई करने में फेल हो गया मोदी जी का गवर्नमेंट, ये इसका जिम्मेदारी मोदी जी का जिम्मेदारी है, कहीं बोल तो वो ऑक्सीजन का सिस्टम वो लोग का नहीं रहता, दूसरे स्टेटों से आना ना, वो लोग अटली फेल हो गया, बाद में स्टेट गवर्नमेंट भी फेल हो गया, जितने ऑक्सीजन नहीं मिलने से वजह बहुत लोग मर गए, वह उसको अपन इतने लोग बोल के नहीं बोल सकते, अभी मेरे हिसाब से हज़ारों में ही मर गए, हज़ारों में ही चले गए उसमें, तो अब कितना हज़ार बोल के नहीं बोल सकते, मैं हज़ारों में से मर गए, बाद में वेंटिलेटर्स नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं है, देखो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लोगों के लिए वेंटिलेटर है, वहाँ 20 लोगों का 30 लोगों का डिमांड है, वहाँ बाकी का मर गए ना, 10 लोग मरे कि जिंदा है कि नहीं मालूम, मगर वेंटिलेटर नए 100 लोग जो हॉस्पिटल में गए 20 लोग मर गए, ऐसा हर एक हॉस्पिटल में 20 बोल दो, हैदराबाद में हर एक हॉस्पिटल में 100, 200, 300 लोग मर गए, वो एक्चुअली मीडिया को नया आया वो, अभी वो एक ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स, बाद में अभी देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छा है, गांधी में अच्छा है, उस्मान में भी अच्छा डॉक्टर्स है, सर्विस है, मगर बड़ा स्टाफ नहीं है, जितना स्टाफ है ना उतना स्टाफ नहीं है, वो उतना स्टाफ नहीं से वजह से वो बहुत लोग मर जाना पड़ा, अब वो स्टेट गवर्नमेंट उसको फिलअप नहीं कर ले रहे, वो एक प्रॉब्लम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना कोरोना के बचाने के लिए, आदमियों को बचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो फाइनेंशियली सपोर्ट देना, वो दिल्ली गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दे रहे, वो एक मुसीबत है। देखो कोई पहला कोई तो भी बीमारी आदमी क्या करता, पहले गवर्नमेंट दवाखाने को नहीं जाता, मैक्सिमम हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल को जाता, थोड़े लोग गवर्नमेंट को जाते, ज़्यादा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को जाते, वहाँ जाने के बाद देखो 20 दिन दवाखाने में रहते, वहाँ का बिल 20 दिन में कम से कम 10-15 लाख रुपये बन ले रहे हो लोग, टाइम अच्छा नहीं तो उन्हें अगर मर गए समझो फिर 5 लाख ड्यू रहता, 10 लाख ड्यू रहता, वो वसूल कर रहे, अभी मर जाने के बाद देखो जो मिडिल क्लास फैमिली गरीब लोग रहते वो लोगों को मर जाने के बाद कर्जा देने वाला कहीं को देता नहीं देता, जो जिंदा है बोले तो कोई तो भी कर्जा देता हो भाई जिंदा है, अभी जो घर वाले भी जाके कोई कर्जा गिरजा बोलते कोई तो भी देता, ठीक है पैसे वाले रहे तो पैसे बनते आ जाते, पैसे वाले कितने लोग रहते, कम लोग रहते, बगैर पैसे वाले इलाज के लिए जाने वाले ज़्यादा लोग रहते, मिडिल क्लास पूरा वहीं जाते ना, फिर एक एक पेशेंट को 20 लाख 15 लाख 20 लाख 15 20 15 20 25 ऐसे लाखों में चला जा रहा। देखो अपोलो हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, एम्स भी अच्छा है, और किम्स भी अच्छा है, यशोदा भी अच्छा हॉस्पिटल है, और पूरे डॉक्टर साहब सब अच्छे हैं, मगर वसूल अच्छा नहीं है वहाँ, पैसे वसूल करना अच्छा नहीं है वहाँ भाई, देखो थोड़ा ये क्या रियल एस्टेट बिजनेस नहीं होता ना, ठीक है बीमारी पड़ के आ गया ये 10 लाख बना, ठीक है भाई और एक उन्हें जान बच गया और एक 5 लाख बनना, उन्हें कहाँ से तो भी लाके बनता चले जाता, मगर जो मर गया सो वाला कहाँ से लाते, मर गया एक एक 10 लाख ऑलरेडी पेड कर दिया और 10 लाख ड्यू है, मगर उन्हें जान चले गए,
अब जान जैसे वालों को कौन पैसे देता, वो एक प्रॉब्लम। अच्छा अभी वो लोग दवाखाना वाले क्या बोल रहे, पैसे रखो डेड बॉडी लेके जाओ बोल रहा। अरे इन्हें डेड बॉडी ले जाने को जी जो जान से रहता उतना उसको जितना जोश रहता, जो मर गया घर वालों को उतना जोश नहीं रहता। मर जाने के बाद आदमी ढीला पड़ जाता, क्या रहता उसमें, जान जाने के बाद घर वालों को क्या रहता, वो एक प्रॉब्लम। इसलिए जो वसूल कर रहे ना वो वसूल को रोक देना। अगर कोई मर गए, कोई आदमी टाइम अच्छा नहीं है मर गए, वो मर जाने टाइम पे जिसका उसको ड्यू रहता वो ड्यू मत वसूल करो, वसूल नहीं करना, आपको भी पाप लगाएंगे, पाप लगता आपको भी, क्या फायदा। उन्हें रोते रोते कहाँ से लग के देता आपको ड्यू। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अच्छा हॉस्पिटल्स बने हैं, अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मगर आप लोग ये वसूल करने थोड़ा कम कर लो, आप लोग कम कर लो, बहुत कम करो लोगों को। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट को केसीआर साहब को यही बात, आप एक गाइडलाइंस दिए है, वो गाइडलाइंस में भी आप दिए मगर वसूल जो प्राइवेट हॉस्पिटल वसूल का कम नहीं हुआ। इसलिए अभी सफ़र हो रहे, बहुत लोग सफ़र हो रहे। अभी थर्ड वेव आ रहा कहते, वो थर्ड वेव में भी बहुत वो भी बहुत प्रॉब्लम रहता। अब थर्ड वेव में मैं क्या बोल रहा, गवर्नमेंट या स्टेट और सेंट्रल ऑक्सीजन को पहले रेडी कर लो, वेंटिलेटर्स हर एक हॉस्पिटल में रेडी कर लो, मेन इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन रेडी कर लो। अभी ये प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप जो टास्क फोर्स बने वो टास्क फोर्स हर एक हॉस्पिटल में चेकअप करो, छोटे हॉस्पिटलों में नहीं, बड़े हॉस्पिटल अपोला ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में क्या हो रहा वहाँ भी टास्क फोर्स जाके इंक्वायरी करो। गरीबी लोगों को जो पैसे नहीं बने सके ऐसे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोगों को बचाने का टास्क फोर्स भी काम करना। ऐसे थोड़ा इशारा, थोड़ा गवर्नमेंट भी थोड़ा हुशार होके जो आने वाले दिनों को नज़र में रख लेके, फिर अगस्त सेप्टेम्बर में बोल रहे, अब जुलाई में अलर्ट हो जाना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखो बोल के मैं मुख्यमंत्री केसीआर साहब को इशारा कर रहा हूँ, मोदी साहब को मीडिया तरफ से इशारा कर रहा हूँ। धन्यवाद।